कंटेनर शिप एवर गिवन के कारण स्वेज कैनाल दुनिया के जहन में वापस आ गई है। ऑल्दो हम स्वेज के बारे में बहुत ही रेयरली सुनते हैं, पर ये कैनाल वर्ल्ड ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस कैनाल के बारे में और जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे ये एग्जिस्टेंस में आई और कैसे ये हमारी डे टू डे लाइफ्स को इम्पैक्ट करती है। बेसिक्स की बात करें तो स्वेज कैनाल बेसिकली मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। जहां इंडिया में हम कैनाल्स को मेनली इरिगेशन से एसोसिएट करते हैं, वहीं स्वेज ट्रैवल के लिए बनाई गई थी। स्वेज बेसिकली नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन से नॉर्दर्न इंडियन ओशन का डिस्टेंस कम कर देती है, जो अदरवाइज बहुत लंबा होता। फॉर एग्जाम्पल, ये कैनाल अरेबियन सी से लंदन का डिस्टेंस 8900 किलोमीटर कम कर देती है, जो नॉर्मली ट्रैवल करने में 8 से 10 दिन का समय लगता है। जिस स्वेज कैनाल को हम आज जानते हैं वो 1869 में शुरू हुई थी, पर इजिप्शियन फेरोज के टाइम से ही रेड सी को कनेक्ट कर देने वाली कैनाल्स हुआ करती थी, जो नॉर्मली नाइल रिवर से कनेक्टेड होती थी। तो स्वेज पहली मैनमेड कैनाल थी जो डायरेक्टली मेडिटेरेनियन सी से रेड सी को कनेक्ट करती है। 1846 से पहले इन दोनों सीज को कनेक्ट कर देने के लिए बहुत सारे आइडियाज आए और कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि ये सोचा जाता था कि रेड सी मेडिटेरेनियन सी से करीब 30 फुट ऊपर है, तो अगर इन दोनों सीज को कनेक्ट कर दिया जाएगा तो पानी सीधा रेड सी से भागता हुआ मेडिटेरेनियन सी में आएगा और नाइल डेल्टा को फ्लड कर देगा। पर 1846 में फ्रेंच टोपोग्राफर पॉल एड्रियन बॉर्डेलो की सर्वे से ये क्लियर हो गया था कि दोनों सीज के एल्टीट्यूड में प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं है, जिसके बाद फ्रेंच डिप्लोमेट फर्डिनेंड लेसेप्स ने इजिप्ट के वाइसरॉय सैयद पाशा से परमिशन लेके स्वेज पर काम करना स्टार्ट किया था। लालची ब्रिटिशर्स स्वेज के काफी विरोध में थे, क्योंकि वो केप ऑफ गुड होप वाला सी रूट कंट्रोल करते थे, तो एक और नया और छोटा रूट उनके लिए घाटे का सौदा था। पर काफी विरोध और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बावजूद 1869 में स्वेज ओपन हुआ। 1869 की स्वेज कैनाल सिर्फ 26 फीट डीप और 200 से 300 फीट वाइड थी, जिसके कारण ये सिंगल लेन थी। शिप्स एक दूसरे को पास कर सकें, इसके लिए हर 8 से 10 किलोमीटर के बाद पासिंग बेस बनाए गए थे। तब से अभी तक स्वेज पर काफी काम हो चुका है और अब ये 78 फीट डीप है और करीब 113 किलोमीटर के इसके हिस्से में एक बाईपास लेन है, मतलब दो शिप्स साइमल्टेनियसली ट्रैवल कर सकते हैं। इस कैनाल पर ग्लोबल ट्रेड के डिपेंडेंस की बात करें तो करीब 10 लाख बैरल्स ऑयल इससे हर दिन पास होता है। यही नहीं, इस कैनाल से रोज 50 शिप पास करते हैं और स्वेज दुनिया का 12% ट्रेड हैंडल करती है। मतलब ये अगर बंद हो जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये ट्रेड रुक जाएगा, या फिर इसे हजारों मील का एक्स्ट्रा सफर तय करना पड़ेगा, जिससे ऑयल और दूसरी चीजों की कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगी। स्वेज में एवरग्रीन कंटेनर शिप जैसे इंसिडेंट्स काफी रेयर हैं, पर एटलीस्ट दो हुए हैं पिछले 10 साल में। 2018 में स्वेज कुछ घंटे के लिए बंद रही थी जब एक शिप का इंजन फेल हो गया था, जिसके चक्कर में 5 शिप्स आपस में भिड़ गए थे। उससे पहले 2016 में एक शिप जमीन पर आ गया था और उसने ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया था। स्वेज पर ट्रैफिक आराम से चलता रहे, इसलिए कैनाल अथॉरिटी हर शिप को अपना पायलट देती है ट्रांजिट के दौरान। ज्यादा बड़े शिप्स को 2 पायलट भी दिए जाते हैं। यही पायलट स्वेज कैनाल पर शिप की जर्नी को गाइड करता है। कैनाल मेंटेनेंस के लिए स्वेज अथॉरिटी टोल चार्ज करती है हर शिप से, जो कार्गो और उसके वेट के हिसाब से डिसाइड होता है। जहां एवरग्रीन शिप जैसे इंसिडेंट्स रेयरली इसे बंद करते हैं, स्वेज कैनाल वॉर और कॉन्फ्लिक्ट के कारण कहीं ज्यादा बंद रही है। ऐसा लास्ट मेजर ब्लॉकेट 1967 से 75 के बीच चला था, 1967 के अरब इजराइल वॉर के बाद। स्वेज के नॉन ऑपरेशनल होने का रीजन कोई भी हो, पर यह वर्ल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता है, जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये थी कुछ जानकारी स्वेज कैनाल के बारे में, उसकी हिस्ट्री और क्यों वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।